हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज दोस्त हम लोग बात करेंगे वेक्टर के लेक्चर नंबर 5 की, और इस लेक्चर में आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि ज्योमेट्रिकल वे ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स को, ओके, कि वेक्टर को जो है ज्योमेट्रिकल तरीके से किस तरह से ऐड करा जा सकता है, किस तरह से जोड़ा जा सकता है ना। हम लोग सबसे पहले जो है वेक्टर को ऐड करने का बेसिक थॉट लाते हैं, है ना, बेसिक सोच को डेवलप करते हैं, फिर जो है हम लोग आगे की चीजों को कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो अब जो है जैसे हम लोग समझते हैं कि जैसे एक 2 kg का पत्थर है ना, 2 kg मास का पत्थर है, दूसरा जो है 3 kg मास का पत्थर है। अगर बोलेंगे तो नेट मास कितना हुआ, टोटल मास कितना हुआ, तो आप क्या कीजिएगा, 2 kg प्लस 3 kg कितना कर देंगे, 5 kg, है ना। टोटल नेट मास कितना हो गया भाई, 5 kg हो गया, ओके। तो सिंपली ऐड कर दिया, है ना। उसी तरह से आप देखिए यहां पर जैसे 2 N का फोर्स है ना, इस डायरेक्शन में लग रहा है, और उसी डायरेक्शन में 3 N का फोर्स है ना। तो अब बोला जाएगा कि नेट फोर्स कितना हुआ, कहे तो सम ऑफ द फोर्स कितना हुआ, कहे तो टोटल फोर्स कितना हुआ, तो क्या करेंगे, 2 N प्लस 3 N इक्वल 5 N। तो जैसे हम स्केलर को जोड़े वैसे हम वेक्टर क्वांटिटी को भी जोड़ दिया, मास स्केलर क्वांटिटी है, 2 kg मास का पत्थर, 3 kg मास का पत्थर, कहे तो 5 kg मास का पत्थर हो गया, है ना, टोटल नेट मास बोला जाए तो। अब उसी तरह से नेट फोर्स, यहां पर 2 N का फोर्स लग रहा था, उसी डायरेक्शन में और भी एक फोर्स 3 N का लग रहा है, टोटल नेट फोर्स की बात करें तो टोटल 5 N का फोर्स हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये क्या जैसे स्केलर क्वांटिटी को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, क्या वैसे ही वेक्टर क्वांटिटी को ऐड किया जा सकता है हमेशा, या हमेशा नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि हम लोगों ने स्केलर को ऐड किया, स्केलर को ऐड करके 5 kg हो गया, उसी तरह से वेक्टर को भी ऐड करके 5 N कर दिए, है ना। जैसे स्केलर को ऐड किया उससे वेक्टर को भी ऐड कर दिया, क्या ये काम हमेशा कर सकते हैं या कभी कभी कर सकते हैं। हाँ दोस्त, ये काम हमेशा आप नहीं कर सकते हैं, ये काम एक ही केस में कर सकते हैं जब 2 vectors का जो है डायरेक्शन सेम होगा, डायरेक्शन एक समान होगा, तब उन दोनों को सिंपली आपको स्केलर की तरह जोड़ देना है, सिंपली स्केलर की तरह उसको ऐड करा जाता है, ओके। अगर ऐसा नहीं हुआ, है ना, कुछ फोर्स 2 N का फोर्स इधर लगा और 3 N का इधर दूसरे डायरेक्शन में लगा, तो फिर जो है आप जो है उसको सिंपली ऐड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जो है अलग अलग रूल्स हैं, जैसे ट्रायंगल लॉ है, आपका पैरेललोग्राम लॉ है, पॉलीगन लॉ है, ये सारे रूल्स हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग उसको ऐड करा जाता है, है ना। अब जो है हम लोग बेसिक थॉट के जरिए से समझते हैं कि ऐसा क्यों नहीं ऐड किया जाता है, जैसे इसको ऐड किया, है ना, स्केलर को ऐड किया, तो वेक्टर को भी इसी तरह से क्यों नहीं ऐड करा जाता है ना। तो इसका बेसिक थॉट समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि क्यों नहीं किया जाता है, है ना, इसको समझने की कोशिश करेंगे, ओके। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये नदी का फोटो मैंने बना दिया है ना, ये नदी है, ओके, और नदी में जो पानी बह रही है इधर से बह रही है, इधर से उधर जा रही है ना, लेफ्ट टू राइट जा रही है ना, ऐसे जा रही है, ठीक है। एक इस नदी में एक आपका नाव है, यहां पर नाव का फोटो बना दिया गया है, और नाव को जाना है यहां से यहां पर, है ना, ये नाव पर बंदा बैठा है और वो फोर्स लगा रहा है ना, तो फोर्स जो लग रहा है नाव के ऊपर, है ना, फोर्स लगा करके नाव को यहां से यहां तक पहुंचाना चाह रहा है, ओके, नाव को यहां से यहां तक पहुंचाना चाह रहा है, और नदी का जो बहाव है ना इधर है ना, नदी जो चल रही है, नदी का जो धार है इधर की ओर है ना, इधर बह रही है। क्या आप बताइए कि नाव अगर सामने में उसको ये यहां पर अगर फोर्स लगा रहा है तो उसके सामने में यहां पर पहुंच जाना चाहिए, है ना, अगर जितना फोर्स लग रहा है टोटल नेट फोर्स के अकॉर्डिंग इसको यहां पर पहुंचना चाहिए। लेकिन आपको पता है दोस्त कि अगर बहाव है, बहाव के कारण नदी जो है सीधा सीधी तो नहीं, ये फोर्स ये जो है ये जो नाव है ये सीधा सीधे यहां तो नहीं आएगा, नदी के बहाव के वजह से भी इधर फोर्स लगेगा, इस वजह से यहां पर नहीं पहुंचकर ये यहां पर पहुंचेगा, है ना। अगर नेट फोर्स जो नाव पर लग रहा है, नेट फोर्स अगर एक्ट करते रहता, सीधा सीधी ऐड होता तो यहां पर पहुंच जाता, है ना। लेकिन नदी का बहाव के कारण जो है कुछ जो है नदी के बहाव के कारण वो इधर को आएगा, है ना, नदी यहां पर नहीं पहुंचकर इधर पहुंच जाएंगी। तो ओवरऑल कि अगर नाव जो है वीवी वेलोसिटी, मान लिया कि वीवी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, और जो है आपका जो है नदी का बहाव जो है वीए वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो नेट जो रिजल्टेंट आएगा, है ना, नेट जो फोर्स आएगा तो किधर आएगा, इधर को आएगा, क्योंकि आप जो है इधर नाव इधर फोर्स लगा रहा है और नदी का जो धार है इधर फोर्स लगा रहा है। तो लेकिन अब जो है रिजल्टेंट क्या हो रहा है, नदी कहां पर, नाव जो है कहां पर पहुंच रही है, सामने नहीं पहुंचकर इधर पहुंच रही है ना, इसका मतलब नेट फोर्स इधर लगा, है ना।
तो इधर लगा नेट फोर्स। तो ओवरऑल मैं ये कह रहा हूं कि अगर दो फोर्स हैं, इधर एक लग रहा है दूसरा इधर लग रहा है, तो नेट जो होगा दोनों का सम नहीं होगा, कुछ अलग दिशा में लगाएगा, है ना, इस दिशा में, इस डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो ये जो है ये आप समझ सकते हैं, इस एग्जांपल के जरिए से समझ सकते हैं कि दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगता है, दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, दो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है, तो आपका जो है नेट जो रिजल्टेंट होगा, नेट जो रिजल्टेंट होगा वो बीच में कहीं पर आएगा, है ना। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इधर ये इधर नौ जा रहा था, नदी के बहाव के कारण यहां पर पहुंचेगा। एक्चुअल में नेट जो फोर्स लग रहा था नदी, ये जो फोर्स नाव पर जो लग रहा था, नेट फोर्स की वजह से इसको यहां पहुंचना चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं पहुंचकर वो आगे पहुंच रहा है, क्योंकि नदी का बहाव जो है उसको इधर ले जा रहा है। इसका मतलब एक इधर एक इधर, तो नेट जो आएगा बिल्कुल बीच में आएगा, है ना। तो इस तरह की चीजों को, है ना, अलग अलग डायरेक्शन में जब फोर्स लग रहा है या अलग अलग डायरेक्शन में वेक्टर है ना, तो तब उन वेक्टर्स को जोड़ने का नियम क्या है, है ना, सिस्टम क्या है, उस सिस्टम को जो है अलग अलग सिस्टम है, जैसे ट्रायंगल लॉ है, जैसे ट्रायंगल लॉ के बाद आपका पैरेललोग्राम लॉ है, पॉलीगॉन लॉ है, है ना, ये इन सारे सिस्टम के तहत जो है वेक्टर्स को ऐड करा जाता है जब सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर नहीं रहता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लॉ की बात करेंगे, है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे, है ना। ये तो आपको बेसिक थॉट आपको समझाने के लिए, है ना, बेसिकली यहां से है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ओके, अब सबसे पहले तो आप ये भी चीजें ध्यान रखिए कि हम सिर्फ ये जो हिंदी लिखा है ना, है ना, हम आपको समझा दें, क्लियर कर दें। कुछ लोग को लगता होगा हम इंग्लिश मीडियम में हिंदी लिख दिए, है ना, कुछ लोग को लगता होगा हिंदी मीडियम में इंग्लिश लिख देते हैं सर। तो मैथमेटिक्स में लैंग्वेज मैटर नहीं करता, वहां पर आपको सवाल बनाने के लिए आएगा, है ना, लैंग्वेज से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, दिस दैट रहता है, बाकी आपको समझ होना चाहिए, है ना, सवाल का समझ होना चाहिए, कॉन्सेप्ट का समझ होना चाहिए, और समझ जो है समझ को डेवलप्ड करने के लिए, है ना, समझ को डेवलप्ड करने के लिए जिस भाषा जो हमको सरल लगता है, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म लगता है, उसी में हम उसको लिख देते हैं, ताकि आपके कानों तक ये मैसेज पहुंच जाए कि हाँ आखिर कहा क्या जा रहा है, है ना। और हम लोग का मातृभाषा हिंदी है, तो हम लोग आसानी से हिंदी को समझ लेते हैं, है ना, थॉट समझ डेवलप्ड कर लेते हैं कि हाँ ये इस तरह से चीजें हो रहा है। थोड़ा इंग्लिश में लिखने के बाद जो है हो सकता है कि कुछ लोग को जो है आपको फील नहीं हो, लेकिन हिंदी में लिखने के बाद जो फील होता है ना, आपको लिखने के लिए कहीं नहीं आएगा कि ट्रायंगल लॉ का डिफिनेशन लिखो समथिंग, कहीं नहीं आएगा मैथमेटिक्स में। ओके, तो आपको सवाल बनाने आएगा, इसका समझ होना चाहिए कि हाँ क्या होता है क्या नहीं होता, ये सारी चीज का समझ होना चाहिए, बाकी आपको सवाल बनाने के लिए आएगा। ओके, तो अब जो है हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर की, है ना, किस लॉ की, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर की, त्रिभुज के जोड़ के नियम की। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, है ना। अब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर को हमें बनाना है, है ना। तो एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, है ना। अब जो है वेक्टर को सिंपली जो भी वेक्टर हम डिनोट करते हैं मैथमेटिक्स में, सिंपली फ्री वेक्टर होता है, सिंपली फ्री वेक्टर को पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के हेड पर शिफ्ट कर देना है, किसी एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड पर शिफ्ट कर देना। सपोज मान लेते हैं वेक्टर ए को यूं ही रहने देते हैं और ये वेक्टर बी को जो है पैरेलली शिफ्ट करते हुए वेक्टर ए के हेड पर लाकर रख देते हैं, वेक्टर बी का जो टेल है वेक्टर ए के हेड पर लाकर रख देते हैं, है ना। तो यूं बन जाएगा, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी को यहां पर उठाइएगा तो ऐसे बन जाएंगे। ओके, तो ये आपको क्या करना है वेक्टर ए का जो वेक्टर ए, ये पहला वाला इसको वेक्टर मान लेता हूं, ये वेक्टर ए का जो है हेड पर जो है वेक्टर ए का पहले वाले वेक्टर के हेड पर दूसरे वाले वेक्टर का टेल रख दिया। ओके, अब जो है अब क्या करना है, पहले वाले वेक्टर का टेल और दूसरे वाले वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर देते हैं, है ना। ज्वाइन करने के बाद जो आता है वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर को दर्शाता है। ज्वाइन करने के बाद जो आता है वो किसको दर्शाएंगे, रिजल्टेंट वेक्टर को दर्शाएंगे। पता नहीं यार, मार्कर भी नहीं चलता है कभी कभी, चलो चलने लगा। ओके चलिए, हाँ तो अब जो है तो क्या करना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर में कोई भी दो वेक्टर है, है ना, वेक्टर को ऐड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वाले वेक्टर के हेड पर दूसरे वाले वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हुए टेल रख देना है, दूसरे वाले वेक्टर के टेल को रख देना, पहले वाले वेक्टर, ये पहला वाला वेक्टर है ना, और दूसरे वेक्टर के टेल को पैरेलली शिफ्ट करते हुए रख दिए पहले वाले वेक्टर के हेड पर। ओके,
तो तब जो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर को हेड को ज्वाइन करने के बाद जो बनेगा वो आपको रिजल्टेंट वेक्टर को डिनोट करेगा, है ना। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, सम ऑफ द वेक्टर्स, है ना, सम ऑफ द वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर का सम जो है पहले वेक्टर के टेल और दूसरे वेक्टर को हेड को ज्वाइन करने के बाद जो बनेगा वो इन दोनों वेक्टर का इस साइड के और इस साइड के रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगा, है ना। तो यही बात लिखा गया है कि एक वेक्टर को पैरेलली तब तक मूव करना है जब तक कि एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड से मिल न जाए, है ना। आपको क्या करना है, तो एक वेक्टर का जो है, एक वेक्टर को पैरेलली जो है तब तक मूव करना है, इसको पैरेलली तब तक मूव करना है जब तक कि एक वेक्टर का टेल, है ना, एक वेक्टर का टेल जो है, इस वेक्टर का टेल जो है और दूसरे वेक्टर के हेड, एक वेक्टर का तब तक कहां पर है भाई, है ना, तब तक एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड से मिल न जाए, है ना, एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड से मिल न जाए, है ना। तब पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड को जोड़ने वाली लाइन, है ना, जोड़ने मतलब ज्वाइन करने वाली लाइन रिजल्टेंट वेक्टर को दर्शाता है। रिजल्टेंट वेक्टर कहे तो ए प्लस बी को दर्शाता है। मतलब ये कहा गया है कि एक वेक्टर को तब तक मूव करना है जब तक कि पहले वेक्टर का ये जो, तब तक कि दूसरे वेक्टर का हेड पहले वेक्टर के टेल ज्वाइन ना हो जाए, है ना। तो मतलब यही चीज लिखा गया कि एक वेक्टर को पैरेलली तब तक मूव करना है जब तक कि एक वेक्टर का टेल, एक वेक्टर ये वाले वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड से कोइंसाइड नहीं कर जाए, मिल नहीं जाए, है ना, हेड से मिल ना जाए। तब पहले वाले वेक्टर के टेल को दूसरे वाले, तब पहले वाले वेक्टर के टेल को, ये पहला वाला वेक्टर इसको मान रहा हूं, इसको टोल, इसके टेल को दूसरे वाले वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाली लाइन रिजल्टेंट वेक्टर को दर्शाता है। तब पहले वाले वेक्टर के टेल को और दूसरे वाले वेक्टर, ये दूसरा वाला वेक्टर भी है तो इसके हेड को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है रिजल्टेंट वेक्टर को दर्शाता है, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को दर्शाता है। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब सम ऑफ द वेक्टर, है ना, दोनों वेक्टर के जोड़ को दर्शाता है। ओके, तो क्या करना है, एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हुए एक वेक्टर के टेल को जो है दूसरे वेक्टर पैरेलली शिफ्ट करते हुए दूसरे वेक्टर के हेड के ऊपर रख देना है। तब जो है पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर को हेड को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर को दिखाएगा, है ना। इसको मूव कर दिए, या फिर जो आप क्या कर सकते हैं, है ना, आप इसका हेड रहने दीजिए, इसको पैरेलली मूव करके यहां पर रख दीजिए, है ना, इस वेक्टर का टेल, तब ये जो है पहले वेक्टर का, इसको पहला तब मानना पड़ेगा, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। मतलब किसी भी एक वेक्टर के टेल को जो है दूसरे वेक्टर के हेड से चिपका देना है, है ना, किसी भी एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से चिपका देना है। चिपकाने के बाद जो है, जैसे पहले वेक्टर का इस वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से चिपका दिए, तब जो है पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर को दिखाएगा। ओके, तो ये चीज है। और इसके बाद जो है मैंने आपको क्या लिखा है, है ना, अब ये बन गया। अब जो है ये चीज समझ लेने के बाद अब जो है यहां पर क्या हो गया, आप देख सकते हैं ट्रायंगल लॉ में कोई भी दो साइड देखिए, ये वाला साइड का इधर डायरेक्शन, इस वाले साइड का इधर डायरेक्शन, है ना, और ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर है, इधर डायरेक्शन, है ना, इन दोनों वेक्टर, इन दोनों साइड का वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस साइड को डिनोट कर रहा है, इन दोनों साइड का डायरेक्शन देखिए सेम ऑर्डर में इधर से जा रहे हैं, इधर से, है ना, लेकिन इस वाले का डायरेक्शन देखिए अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो कोई भी दो साइड का, है ना, कोई भी दो साइड है, कोई भी दो साइड है जो सेम ऑर्डर वाले वेक्टर को डिनोट करता है ना, उनका जो वेक्टर सम है ना वो तीसरे साइड के बराबर होता है ना। कोई भी दो साइड, है ना, जो सेम ऑर्डर वाले वेक्टर को डिनोट करता है, आप देखिए ये जो है और ये सेम ऑर्डर वाले वेक्टर है, सेम डायरेक्शन नहीं बोल सकता, सेम ऑर्डर मतलब इधर इस ऑर्डर में जा रहा है ना, दोनों का डायरेक्शन इस ऑर्डर में जा रहा है ना। तो कोई भी ट्रायंगल के कोई भी दो साइड का वेक्टर सम तीसरे साइड के बराबर होता है जो कि अपोजिट ऑर्डर में रहता है। इसी बात को लिखा गया है ट्रायंगल लॉ, जो कि आपके बुक में लिखा गया होगा कि ट्रायंगल के किसी दो साइड जो सेम ऑर्डर में हो उन दोनों का वेक्टर सम, है ना, कोई भी ट्रायंगल लॉ में क्या होगा, त्रिभुज के ट्रायंगल के कोई भी दो साइड जो सेम ऑर्डर में होगा उनका वेक्टर सम, उन दोनों का वेक्टर सम ट्रायंगल के तीसरी साइड के बराबर होता है, ट्रायंगल के तीसरी साइड के बराबर होता है जो कि अपोजिट ऑर्डर में, जो कि इस ऑर्डर में रहता है, अपोजिट ऑर्डर में रहता है। इसका मतलब कि तीसरी साइड दोनों साइड के रिजल्टेंट वेक्टर को दर्शाता है, इसका मतलब तीसरा जो साइड है दोनों बाकी दोनों साइड के वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर को दर्शाता है। ओके, तो ओवरऑल ट्रायंगल लॉ क्या है कि कोई भी दो साइड का जो है, कोई भी दो साइड का जो वेक्टर सम होगा, है ना, जो सेम ऑर्डर में रहेगा,
त्रिभुज के ट्रायंगल के कोई भी दो साइड जो सेम ऑर्डर में रहेगा उनका वेक्टर सम तीसरे साइड के इक्वल होगा जो कि अपोजिट ऑर्डर में होगा। ओके, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। अभी हम लोग ट्रायंगल लॉ के ही बात करेंगे, जगह नहीं है, आप कॉपी कर लें, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्त, आगे यहां पर ये है कि ये आपका ए बी वेक्टर है, है ना, ये आपका ए यहां पर है ना, टेल में ए लिखा हुआ है, हेड में बी लिखा है, तो ये आपका ए बी वेक्टर हो गया। ओके, और अब इसका डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, है ना, डायरेक्शन क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, आगे की तरफ था तो पीछे की तरफ कर दिया, तो ये क्या हो गया, बी ए वेक्टर हो गया। ओके, है ना, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, डायरेक्शन सिर्फ रिवर्स कर दिया तो ये कौन सा वेक्टर हो गया, बी ए वेक्टर हो गया। ओके, तो ये ए बी वेक्टर और ये बी ए वेक्टर, तो दोनों का आप देख सकते हैं कि ए बी वेक्टर लिखिए या बी ए वेक्टर लिखिए, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, है ना। आप देख सकते हैं कि ए बी वेक्टर आप इसको बोल दीजिए, है ना, इसकी लंबाई मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर है, तो बी ए की भी अगर बी ए लिखा जाए तो बी ए का भी लंबाई कितना आएगा, 3 ही सेंटीमीटर। ए बी इधर से नापिए या इधर से नापिए सेम आएगा, लंबाई तो सेम ही है, ए बी वेक्टर का और बी ए वेक्टर का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड का मतलब लंबाई से। ओके, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। अब ए बी और बी ए में हम रिलेशन को निकालना चाह रहे हैं कि ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर में क्या रिलेशन है, बी ए वेक्टर में क्या रिलेशन है, ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर में क्या संबंध है। तो आप देख सकते हैं कि ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर में क्या संबंध, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, अगर डायरेक्शन भी सेम आ जाए तो फिर दोनों इक्वल आ जाएगा। तो ए बी वेक्टर का डायरेक्शन आगे की तरफ, बी ए वेक्टर का डायरेक्शन पीछे की तरफ, कोई भी है ना दोस्त, जैसे वेक्टर ए है, है ना, तो वेक्टर ए आगे की तरफ, तो माइनस वेक्टर ए क्या आ जाएगा, पीछे की तरफ, है ना। तो कोई भी वेक्टर आगे है, वेक्टर ए, तो माइनस लगा देंगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, है ना। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड की बात करें या माइनस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों तो सेम ही आएगा। ओके, मॉड के अंदर माइनस तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, माइनस है तो हमेशा पॉजिटिव बाहर निकलता है। तो ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर, है ना, यहां पर हम लोग जो बात कर रहे हैं ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर की बात कर रहे हैं, है ना। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर का लंबाई और बी ए वेक्टर का लंबाई सेम है, डायरेक्शन लेकिन रिवर्स है, ए बी का आगे की तरफ, बी ए का पीछे की तरफ, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाए तो इक्वल वेक्टर कह सकते हैं। तो बी ए वेक्टर का जो डायरेक्शन इधर है तो बी ए वेक्टर में माइनस लगा दिया तो बताइए क्या होंगे, डायरेक्शन फिर से आगे की तरफ आ जाएंगे, इधर डायरेक्शन हो जाएंगे। ओके, डायरेक्शन सेम हो जाएंगे। तो बी ए वेक्टर का जो है, बी ए वेक्टर में अगर माइनस लगा दिए तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, फिर ए बी वेक्टर के डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। तब बी ए वेक्टर का डायरेक्शन, बी ए वेक्टर जो था उसमें माइनस लगा दिया तो डायरेक्शन रिवर्स हो गया, इधर हो गया, आगे की तरफ हो गया। ए बी वेक्टर का भी डायरेक्शन आगे और माइनस बी ए वेक्टर की भी डायरेक्शन आगे, और मैग्नीट्यूड तो सेम है ही, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम, तो डायरेक्शन भी सेम हो गया और मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वेक्टर क्या हो गया, इक्वल हो गया, ए बी वेक्टर इक्वल माइनस वेक्टर बी, दोनों इक्वल वेक्टर हो गया। ठीक है, तो ए बी वेक्टर इक्वल माइनस बी ए वेक्टर, फिर से आप एक बार रिटेक लेकर जो है इसको देखिएगा कि मैंने क्या बोला, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं इसे एक बार कि ये ए बी वेक्टर है, है ना, और ये बी ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर ऐसे है, डायरेक्शन आगे की तरफ है और बी ए वेक्टर जो है इधर से है, बी ए वेक्टर, है ना, ए बी वेक्टर का डायरेक्शन आगे की तरफ, बी ए वेक्टर का पीछे की तरफ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, आगे है तो इसका पीछे। ओके, तो ए बी और बी ए का डायरेक्शन, ए बी और बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, है ना, ए बी का लंबाई या बी ए का लंबाई सेम रहेगा। अब जो है, और अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम कर दें तो इसका मतलब दोनों इक्वल वेक्टर आ जाएंगे। तो बी ए वेक्टर का डायरेक्शन इधर है तो उसमें बी ए वेक्टर में एक माइनस लगाएंगे तो डायरेक्शन पलट जाएगा, डायरेक्शन आगे की तरफ, तो ए बी वेक्टर का भी डायरेक्शन आगे, माइनस बी ए वेक्टर की भी डायरेक्शन आगे, और ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और माइनस बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम, है ना, तो सेम हो गया, तो डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, इसका मतलब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ए बी वेक्टर इक्वल माइनस वेक्टर बी ए के इक्वल आ जाएंगे। ओके, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, है ना, कि ए बी वेक्टर का यहां पर मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कीजिए या माइनस बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं, है ना, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा दोस्त, है ना, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए बी सिंपली, इसको भी बी ए सिंपली, ए बी बराबर बी ए होता है भाई, है ना, ए और ए बी का जो भी लंबाई होगा वही बी ए का भी लंबाई होगा, है ना, मॉड के अंदर नेगेटिव है ना, पॉजिटिव आ जाएंगे। ओके, तो एक चीज यहां से कॉन्सेप्ट निकल कर आया, इसको आपको ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है दोस्त कि जब भी आपका ए बी वेक्टर है माइनस वेक्टर बी ए के बराबर, तो जब भी इन दोनों का इंटरचेंज कर देंगे, बी को पहले लिखेंगे, ए को बाद में लिखेंगे, तो एक माइनस लगा देंगे। ओके, तो जब भी आपका ए बी वेक्टर है तो माइनस वेक्टर बी ए के बराबर, कहीं पर आएगा पी क्यू वेक्टर तो माइनस
वेक्टर किसके बराबर, रिवर्स कर देता हूं, क्यूपी के बराबर है ना। वेक्टर पी आर है तो किसके बराबर आएगा, माइनस कर देते हैं तो आरपी वेक्टर के बराबर। ठीक है, यहां से ये चीज है निकल कर आ गया। ओके, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अभी जो ट्रायंगल लोग ट्रायंगल वगैरह जो बना है इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब एक बार मैं फिर से जो है ट्रायंगल लॉ की बात कर लेता हूं कि ट्रायंगल लॉ क्या था है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या था है ना, मैंने मिटाया भी नहीं है, ये रखा है इसको। ट्रायंगल लॉ क्या था, ट्रायंगल के दो किसी दो साइड जो सेम ऑर्डर में हो उन दोनों का वेक्टर सम, कौन सा सम, वेक्टर सम है ना, तो उन दोनों का वेक्टर सम ट्रायंगल के तीसरी साइड के बराबर होता है जो कि अपोजिट ऑर्डर में रहता है ना। तो कोई भी ट्रायंगल है दो साइड जो सेम ऑर्डर में, कोई भी दो साइड जो सेम ऑर्डर में, उनका जो है वेक्टर सम है ना, वेक्टर सम, वेक्टर अलजेब्रिक सम और वेक्टर सम में डिफरेंसेस होता है ना, आप लोग जानते हैं इस बात को है ना। तो वेक्टर सम की बात करें, वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी उसमें इन्वॉल्व होता है। ओके, तो ट्रायंगल के किसी भी दो साइड जो सेम ऑर्डर में है उसका वेक्टर सम ट्रायंगल के तीसरी साइड के बराबर होता है जो कि अपोजिट ऑर्डर में रहता है। इसका मतलब तीसरी साइड दोनों साइड के रिजल्टेंट वेक्टर को दर्शाता है। बोला यह गया कि यह ट्रायंगल है, त्रिभुज है, इसका कोई भी दो साइड जो सेम ऑर्डर में है, आप देखिए एबी साइड और बीसी साइड सेम ऑर्डर में, देखिए दोनों का डायरेक्शन इसी ऑर्डर में जा रहा है। ओके, और एसी का जो डायरेक्शन है यह रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट ऑर्डर में आ रहा है ना। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर क्या कहता है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर यह कहता है कि ट्रायंगल के कोई भी दो साइड हैं जो सेम ऑर्डर हैं उनका जो सम होगा वो तीसरे साइड के इक्वल होगा जो कि अपोजिट ऑर्डर में होगा। आप देखिए ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर है ना, सेम ऑर्डर वाले वेक्टर हैं, सेम ऑर्डर वाला साइड है, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल कौन सा वेक्टर, ए सी वेक्टर के इक्वल होगा है ना, ए सी वेक्टर। ओके, देखिए अपोजिट ऑर्डर में, तो ये चीज है आपको ध्यान रखना है कि कोई भी दो साइड है ना जो सेम ऑर्डर में है वो उन दोनों का वेक्टर सम जो है ये वेक्टर सम है ना, तो उन दोनों का वेक्टर सम तीसरे साइड के इक्वल आता है जो कि अपोजिट ऑर्डर में आता है। वेक्टर सम है, अलजेब्रिक सम में मॉड लगाकर लिखा जाता है लेकिन वेक्टर सम है, वेक्टर का साइन के साथ रहेगा। ओके, तो वेक्टर सम होता है ना, कोई भी दो साइड है ट्रायंगल का, कोई भी दो साइड का जो वेक्टर सम होता है तीसरे साइड के बराबर होता है जो कि अपोजिट ऑर्डर में रहता है तीसरे साइड। ओके, अब जो है नेक्स्ट हम लोग इसकी बात कर लेता हूं। ठीक है, अब यहां पर है ये आपका ट्रायंगल है दोस्त है ना, ये क्या है ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में आपको देखना कि कोई भी दो साइड जो सेम ऑर्डर में उनका सम जो है तीसरे साइड के इक्वल आएगा जो कि अपोजिट ऑर्डर में होगा। आपको देखना पड़ेगा डायरेक्शन, आप देखिए यहां पर देखिए इसका इन दोनों का इस साइड और इस साइड का सेम ऑर्डर है, इधर से जा रहा है और ये हाँ तीनों मतलब सेम ही ऑर्डर में आ रहा है ना, ये भी देखिए ये सॉरी ये अपोजिट ऑर्डर सही बोल रहा हूं कि ये दोनों जो हैं आपका इधर से जा रहे है ना, लेकिन ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए ये इधर से जा रहा है तो ये इधर से जा रहा है। तो कोई भी ट्रायंगल के कोई भी दो साइड का जो वेक्टर सम होगा तीसरे साइड के इक्वल होगा जो कि अपोजिट ऑर्डर में हो। आप देख सकते हैं यहां पर सी बी वेक्टर है ना, सी बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर है ना, सी बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर इक्वल किसके बराबर आएगा, कौन सा वेक्टर, सी ए वेक्टर के बराबर है ना, एसी नहीं सी ए, आपको डायरेक्शन देखना है ना, डायरेक्शन देखना इधर जा रहा है ये टेल ये हेड, तो यहां से टेल पहले लिखेंगे फिर बाद में हेड लिखा जाता है, सी ए वेक्टर के बराबर आएगा। ओके, तो सी बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर इक्वल सी ए वेक्टर। अब यहां पर हम इसकी बात कर लेता हूं कि इस ट्रायंगल में देखिए समझ में आ गया, कोई भी दो साइड रहेगा ट्रायंगल बना रहेगा, कोई भी देखना है उसमें आपको डायरेक्शन देखना है, कोई भी दो डायरेक्शन दो सेम ऑर्डर वाले डायरेक्शन का वेक्टर सम, कोई भी दो साइड जो है सेम ऑर्डर वाले डायरेक्शन का वेक्टर सम तीसरी साइड के इक्वल होता है जो कि अपोजिट ऑर्डर में रहता है। ओके, अब जो है इस ट्रायंगल की बात कर लेता हूं, एबीसी है ना, एबीसी ये ट्रायंगल दे रखा है। अब इसमें कोई भी आपका दो साइड देखिए, इसका देखिए सबका ऑर्डर देखिए, ए बी वेक्टर का ऑर्डर इधर देखिएगा यहां पर ऑर्डर और इसका, सब तीनों का तीनों सेमी ऑर्डर वाले वेक्टर को डिनोट कर रहा है सेम ऑर्डर में है ना। तो हम क्या करेंगे, जब भी सब सबके सब साइड जो है सेम ऑर्डर में है तब किस तरह से यहां पर ट्रायंगल लॉ लगेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो कोई भी दो साइड को हम चुन लेंगे है ना, कोई भी दो साइड जो अपनी मर्जी है उसके हिसाब से चुन लेंगे। तो ए बी, मैंने ए बी चुन लिया, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर है ना, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल कौन, सी ए वेक्टर, यहां पर सी ए वेक्टर को डिनोट कर रहा है एरो, लेकिन ये किसके इक्वल आएगा, ए सी वेक्टर के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, ए सी वेक्टर के इक्वल आएगा।
समझ रहे हैं ना बात को, ये एसी वेक्टर के इक्वल आएगा, डायरेक्शन इधर था, लेकिन ये जो एबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर जो है एसी वेक्टर के इक्वल आएगा, और फिर हम जो है एसी वेक्टर के इक्वल आएगा, मैंने लिख दिया। अब एबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर बराबर एसी वेक्टर को हम लिखेंगे सीए वेक्टर के फॉर्म में, चूंकि एसी वेक्टर का नोटेशन यहां पर नहीं है, एसी वेक्टर नहीं है, है ना, तो हमको सीए वेक्टर के फॉर्म में लिखना, सीए वेक्टर है ना, एसी वेक्टर नहीं है, तो एसी को सीए के रूप में बदलना है, तो एसी वेक्टर को सीए वेक्टर के रूप में लिखना है, तो क्या करना, सी को पहले लिखना है, ए को बाद में लिखना है, तो उसमें एक माइनस लगाना पड़ेगा। तो जब भी आपको इन दोनों का अदले बदली करते हैं एक माइनस लगा देते हैं, इसी बात को यहां पर समझा रहा था मैं, एबी वेक्टर इक्वल माइनस वेक्टर बी है ना, तो एबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर इक्वल माइनस सीए वेक्टर हो गया, इसको इधर लाएंगे तो एबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर प्लस सीए वेक्टर इक्वल कितना आ जाएगा, जीरो वेक्टर आ जाएगा, जीरो वेक्टर है तो ऐसे सिंपली जीरो लिख दे। तो ये आपका ये भी चीजें आपको ध्यान रखना है, कई बार ऑब्जेक्टिव सवाल के इंपॉर्टेंट हो जाता है, जेई मेंस और एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सम ऑर्डर वाले वेक्टर दे रखेगा और फिर बोला जाएगा कि सारे सीट ऐसे एक रिलेशन ऑब्जेक्ट आपको जो है ऑप्शन में रिलेशन दे देगा समथिंग समथिंग, तो आपको च्वाइस करना पड़ता है कि कौन सा रिलेशन आएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो है यहां पर देखिए, आप जो है यहां पर भी देख सकते हैं कि आप सीबी वेक्टर बीए वेक्टर और एसी वेक्टर है ना, ये देखिए सबका डायरेक्शन एक ही जैसा है, सब एक तरफ मूव कर रहा है ना, तो कोई भी दो वेक्टर को मैं चुनूंगा है ना, कोई भी दो वेक्टर को चुनूंगा है ना, आप देखिए एसी वेक्टर और सीबी वेक्टर को चुन लीजिए, देखिए डायरेक्शन के साथ एसी वेक्टर है, ये एसी वेक्टर है, ये वाला तीर जो दिखा रहा है किसको दिखा रहा है, एसी वेक्टर को, एसी वेक्टर प्लस सीबी वेक्टर है ना, प्लस सीबी वेक्टर इक्वल किसके बराबर होगा है ना, ये इस वेक्टर के बराबर, इसका डायरेक्शन इधर रहता तो इसके बराबर एबी वेक्टर के बराबर आएगा, लेकिन एबी वेक्टर यहां पर है नहीं है ना, तो क्या कौन सा वेक्टर है, बीए वेक्टर है, तो एबी वेक्टर को मैं बीए वेक्टर के फॉर्म में लिख दूंगा। ओके, एसी वेक्टर प्लस सीबी वेक्टर इक्वल बीए माइनस लिखेंगे, बी को आगे ए को बाद में, तो माइनस बीए वेक्टर, तो एसी वेक्टर प्लस सीबी वेक्टर प्लस बीए वेक्टर इधर सरका देंगे, प्लस बीए वेक्टर इक्वल जीरो आ जाएंगे। ओके, तो उम्मीद करते कि समझ में आ गया, सेम ऑर्डर रहेगा तो कोई भी दो वेक्टर दो साइड को उठाना है, सेम ऑर्डर वाले को है ना, वो तीसरे के बराबर करना है जो अपोजिट ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में नहीं रहेगा, जैसे यहां पर क्या हुआ एसी प्लस बीसी बराबर बीए के तो बराबर नहीं होगा ना, एबी के बराबर होगा, अब एबी को बात रही कि एबी तो इसमें है नहीं, बीए वेक्टर है, तो एबी वेक्टर को बीए वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या किए एबी वेक्टर को बीए वेक्टर के बराबर लिखना, तो एबी इक्वल माइनस वेक्टर बीए, देखिए यहां पर ठीक है ना, तो सबको एक तरफ दूसरी तरफ जीरो आ गया। ओके, अब नेक्स्ट यहां पर इसकी बात कर लें, तो यहां पर क्या हो रहा है, और ये आपका वेक्टर एबीसी है ना, एबीसी ट्रायंगल है, और ये वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी है ना, आप देख सकते हैं डायरेक्शन सबका सेम है ना, ये देखिए तीनों का डायरेक्शन सेम ऑर्डर में, डायरेक्शन कहे तो डायरेक्शन सेम ऑर्डर में है ना, डायरेक्शन सेम नहीं है, सेम ऑर्डर वाले डायरेक्शन है ना, सेम इधर से। ओके, तो हम कोई भी दो वेक्टर को चुनेंगे, ए बी वेक्टर को चुनते हैं, ए बी वेक्टर ए है और बी सी वेक्टर वेक्टर बी है, इक्वल किसके बराबर, ए सी वेक्टर के बराबर इक्वल आएगा, किसके बराबर, ए बी प्लस बी सी बराबर किसके बराबर, ए सी के बराबर, यहां पर है क्या सी ए है, सी ए वेक्टर सी है, तो ए सी जो है सी ए वेक्टर सी है, तो ए सी क्या होगा, सी ए वेक्टर सी है, तो ए सी में पलट जाएगा डायरेक्शन, तो ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर सी। ओके, तो फिर से मैं रिपीट कर दूं कि ये आपका ये वेक्टर, इसका डायरेक्शन देखिए, इसका इधर है, इसका भी इधर है, तो ए बी वेक्टर, और मैं लिख देता हूं कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर है ना इक्वल कितने के बराबर, ए सी के बराबर, ए सी वेक्टर के बराबर आएगा, किसके बराबर, ए सी वेक्टर के इक्वल आएगा है ना, तो ए बी वेक्टर क्या है, वेक्टर ए है, और बी सी वेक्टर क्या है, वेक्टर बी है, और ए सी वेक्टर ऐसे सी ए वेक्टर वेक्टर सी है, तो ऐसे सी ए वेक्टर क्या है, वेक्टर सी है, और एसी वेक्टर क्या आ जाएगा, एसी वेक्टर क्या आ जाएगा, माइनस वेक्टर सी ए नहीं आएगा क्या, एसी वेक्टर क्या आएंगे, माइनस वेक्टर सी ए, तो माइनस वेक्टर सी ए, माइनस वेक्टर सी ए क्या है, वेक्टर सी, तो एसी वेक्टर क्या आ जाएगा, माइनस वेक्टर सी, देखिए माइनस वेक्टर सी, एसी वेक्टर माइनस वेक्टर सी आ गया, तो इधर कर दिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल क्या आ गया, जीरो आ गया। ओके, तो खैर मैं सीधा देख लिया कि अच्छा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर, और ये सेम ऑर्डर है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर इस वेक्टर के बराबर, तो वेक्टर सी इधर से है, तो वेक्टर इधर से क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर सी हो जाएगा, तो माइनस वेक्टर सी के इक्वल कर दिया। ओके, अब इस बात को आगे ए बी सी है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर तीनों वेक्टर है ना, सेम ऑर्डर वाले लग रहा है ना, सेम ऑर्डर में है। अब क्या करेंगे, कोई भी दो को चुन लीजिए, वेक्टर बी और वेक्टर ए,
वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए है ना, ये सेम ऑर्डर इधर है, और तो ये वेक्टर किसके बराबर, ए बी के बराबर आएगा है ना, और ए बी बी ए वेक्टर सी है तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा माइनस सी है ना, तो माइनस सी के बराबर, तो किसके बराबर आएगा ए बी वेक्टर बी ए सी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर के बराबर, तो ए सी वेक्टर तो वेक्टर बी है और सी बी वेक्टर वेक्टर ए है और ए बी वेक्टर बी ए वेक्टर सी है तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा माइनस वेक्टर सी, जैसे कि थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे ठीक है। तो ये ट्रायंगल लॉ था और उसका ट्रायंगल लॉ को तरह तरह का फॉर्म फॉर्मेट में था है ना, सारे के बारे में समझा दिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे जेई की बात कर लें या बोर्ड एग्जाम की बात कर लें, तो ये सारे सवाल जो है ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। साथ साथ में बड़े बड़े सवाल में भी, बड़े बड़े सवाल आएंगे तो उसमें भी इस्तेमाल करेंगे, इसको कॉपी कर लीजिएगा और फिर उसके बाद जो है हम लोग पैरेललोग्राम लॉ पर आते हैं। आगे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे ओके। ट्रायंगल लॉ हम लोग सीख लिए है ना, तरह तरह के केसेस को देख लिए, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स को ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता था, एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन करते थे है ना, फिर जो है पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने के बाद जो मिलता था वो रिजल्टेंट वेक्टर को बताता था। यहाँ पर थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है ना, और बाकी तो सिमिलर ही है। अब जैसे यहाँ पर वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है ना, तो आपको क्या करना है, दोनों वेक्टर के दोनों वेक्टर को पैरेलली जो है, दोनों वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हुए जो है आपको दोनों वेक्टर का टेल को ज्वाइन कर देना है ओके। तो इस वेक्टर को मैंने पैरेलली शिफ्ट करते हुए इसके टेल से, वेक्टर ए के टेल से ज्वाइन कर दिया ओके। तो वेक्टर बी को जो है मैंने पैरेलली शिफ्ट करते हुए यहां पर लाया और वेक्टर ए के टेल से ज्वाइन कर दिया, तो यूं दिखेगा ये वेक्टर ए वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट करते हुए करेंगे तो यूं दिख जाएगा है ना। और इसके बाद जो है आपको क्या करना है, ये दोनों आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है ये पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड हो जाएगा है ना, आसन्न भुजा हो जाएगी। अब जो है आपको इन दोनों को एडजेसेंट साइड मानते हुए, आसन्न भुजा मानते हुए आपको पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेना है ना। तो ये वेक्टर बी है तो ये भी क्या आ जाएंगे, ये भी आपका वेक्टर बी पैरेललोग्राम में आमने सामने के साइड बराबर और इक्वल होता है और पैरेलल होता है ना, तो ये भी आपका वेक्टर भी आ जाएंगे है ना। ये वेक्टर ए है तो ये भी आपका क्या आ जाएंगे, वेक्टर ए आ जाएंगे ओके। तो ये लिखा गया है कि दोनों वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हुए टेल को कोइंसाइड करना है, दोनों वेक्टर को जो है पैरेलली शिफ्ट कर देंगे और शिफ्ट करके जो है आपको क्या कर देना है, टेल को कोइंसाइड कर देना ओके। स्टेप टू में दोनों वेक्टर को पैरेललोग्राम, दोनों वेक्टर को पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड मानते हुए पैरेललोग्राम बनाना है, दोनों वेक्टर को जो है पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड मानना है, आसन्न भुजा मानना है और इसको मानते हुए जो है आपको पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेना है ना। इसके सामने में यहां पर बना देना है, इसके सामने इक्वल है ना और पैरेलल, और इसके जो है इक्वल और पैरेलल बना देना। स्टेप थर्ड में क्या करना है, कोइंसाइडिंग टेल से गुजरने वाला डायगोनल जो है रिजल्टेंट वेक्टर को डिनोट करता है। कोइंसाइडिंग टेल, ये दोनों वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो कोइंसाइडिंग टेल है इससे गुजरने वाला जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर को दिखाएगा ओके। तो ये चीज़ है बिल्कुल सिंपल है कि कोई भी जो आपको पैरेललोग्राम लॉ है तो दो वेक्टर्स रहेगा, दोनों वेक्टर का टेल टूल को ज्वाइन करना है और टेल टूल को ज्वाइन करने के बाद जो बनेगा दो दो वेक्टर जो रहेगा वो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम होगा और उन दोनों को एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम मानकर जो है बाकी को कंप्लीट पैरेललोग्राम बना देना है ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसका आप जो है इस चीज़ को बेसिकली मैं तो समझता हूँ कि पैरेललोग्राम लॉ बेसिकली ये जो है आपका ट्रायंगल लॉ ही है ना, अलग से कुछ नहीं है कि ये अलग से कोई पैरेललोग्राम लॉ है। तो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये ट्रायंगल लॉ है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहां पर और आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे ये जो है बेसिकली ट्रायंगल लॉ ही है। चलिए ये आपका है ए बी सी डी, मान लेते हैं ये पैरेललोग्राम है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है ओके। तो पैरेललोग्राम जो कंसीडर किए हैं ये पैरेललोग्राम है, तो चलो डॉट डॉट लगा देता हूँ, तो ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में क्या होगा, ये वेक्टर ए हैं तो ये भी क्या होंगे, वेक्टर ए, डायरेक्शन सेम रहेंगे दोनों, ये वेक्टर ए हैं तो ये भी क्या रहेंगे, ये भी वेक्टर ए होंगे ओके। और ये वेक्टर बी हैं तो ये भी क्या होंगे, वेक्टर बी होंगे ओके। अब जो है ए और सी को मैं ज्वाइन कर देता हूँ ठीक है, ए और सी को ज्वाइन कर देता हूँ। अब इन ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में देखिए है ना, ये एक ट्रायंगल है और इसमें जो है ए सी, ये ए सी है डायगोनल, तो इसमें इस ट्रायंगल में ए बी सी ट्रायंगल में आप देखिए ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर, देखिए इन दोनों का सेम ऑर्डर है,
सेम ऑर्डर वाला वेक्टर है, ये जो है डायगोनल जो इस ट्रायंगल का जो है ये अपोजिट ऑर्डर में है ना। तो इन ट्रायंगल एबीसी तो एबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर इक्वल क्या आ जाएंगे एसी वेक्टर। तो आपका जो है एबी वेक्टर क्या है वेक्टर ए, बीसी वेक्टर क्या है वेक्टर बी इक्वल एसी वेक्टर। तो एसी वेक्टर जो आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ गया। देखिए यही एसी वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ गया, बेसिकली ये ट्रायंगल लॉ से ही आया है। ओके, अगर हम सेकेंड वाले डायगोनल की भी बात कर लें कि BD वेक्टर क्या होगा, है ना, एडजेसेंट साइड पता है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड पता है, बाकी जो है एसी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर को डिनोट करता है, दूसरे वाले वेक्टर को भी हम जो है BD डायगोनल को भी निकाल सकते हैं। ओके, एक्चुअल में ये रिजल्टेंट को शो नहीं करता है, लेकिन हम BD डायगोनल को भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप देख सकते हैं, और इन ट्रायंगल मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी ट्रायंगल में, आप ए बी डी ट्रायंगल में आप देख सकते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर इक्वल ए डी वेक्टर, इन दोनों का सेम ऑर्डर है, देख सकते हैं आप, है ना। तो ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर इक्वल ए बी प्लस बी डी इक्वल ए डी के इक्वल आ जाएंगे। ओके, तो ए बी वेक्टर वेक्टर ए प्लस बी डी वेक्टर इक्वल एडी वेक्टर कितना है वेक्टर बी, तो बीडी वेक्टर जो आ जाएंगे आपका क्या आ जाएंगे और आपका वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए आ जाएंगे। ओके, देखिए बीडी वेक्टर इक्वल क्या आ गया वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, है ना, जरूरत पड़ सकते हैं कभी कभी कि बीडी वेक्टर कितना होगा तो हम आसानी से निकाल पाएंगे। ओके, आप जो है पूरे का स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर जो है लास्ट आपका जो है पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात कर लेंगे। ओके, तो पहले स्क्रीन शॉट ले लीजिए फिर हम पॉलीगन लॉ की बात कर लेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि ले लिए होंगे। आगे हैं पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, पॉलीगन बहुभुज है ना, बहुत सारा। देखिए आपका ये वेक्टर ए, एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर, फिर आगे जो है टेल से ज्वाइन कर देता हूँ ये वेक्टर, फिर इसका हेड दूसरे वेक्टर के टेल से, ठीक है, फिर इसका हेड जो है दूसरे वेक्टर के टेल से, फिर इसका हेड दूसरे वेक्टर के टेल से, ठीक है, यहाँ तक। अब जो है फिर जो है फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, ये फर्स्ट वेक्टर का टेल लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने के बाद जो आएगा वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ग्रीन लाइन से जो आपको दिख रहा है, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा भी हो गया है, ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो आपको इसको ए बी सी डी ई एफ, ओके, तो ये भी वेक्टर ए है, ये बी सी वेक्टर बी, सी डी वेक्टर सी है, और ये डी वेक्टर डी और ई वेक्टर है, ठीक है। और इसको मान लेते हैं कि ये आपका जो है कौन सा वेक्टर है, ये ए एफ वेक्टर है, ओके, तो ए एफ वेक्टर है, ये क्या कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर को वेक्टर एफ बोल देते हैं, ठीक है। तो आपका जो है क्या हो जाएगा ए बी वेक्टर सारे साइड्स का जो सम होगा ये लास्ट वाले साइड के बराबर होगा, है ना, जो कि लास्ट वाला साइड कैसे बना है पॉलीगन का, फर्स्ट लास्ट वाला साइड कैसे बना है, फर्स्ट साइड के टेल को लास्ट वाले साइड के हेड से ज्वाइन करने के बाद जो बना है वो साइड, है ना, वो रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगा। वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर और ई एफ वेक्टर, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा ए एफ वेक्टर, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल ए एफ वेक्टर। तो ये आपका जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर एफ इक्वल ए एफ वेक्टर को वेक्टर एफ, ठीक है। तो सारे साइड का जो सम होगा वो लास्ट वाले साइड के बराबर होगा जो अपोजिट ऑर्डर में होगा, है ना, ये पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहलाता है। ओके, तो इसे भी आप कॉपी कर लीजिए।
कर लिए कॉपी, ठीक है। तो लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स यहाँ पर खत्म हो जाती है ना, चाहे वो आपका ट्रायंगल लॉ हो, पैरेललोग्राम लॉ हो, पॉलीगन लॉ हो, सम यहाँ पर खत्म हो जाती है। फिर आगे कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं। अब हम लोग रेगुलर हेक्सागोन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रेगुलर हेक्सागोन, ओके, समषष्ठभुज, रेगुलर हेक्सागोन की बात कर रहा हूं। समषष्ठभुज, समषष्ठभुज का मतलब समझते हैं, है ना। तो छह बराबर बराबर भुजा जिसमें होगा उसको समषष्ठभुज बोलते हैं। तो रेगुलर हेक्सागोन आप देखिए, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, चलेगा, ठीक है। ये आपका रेगुलर हेक्सागोन है और नाम दे देता हूँ इसका, ए बी सी डी ई एफ, ओके। अब ये आपका बीच में सेंट्राइड कहीं पर होगा, ठीक है। समझिएगा इसमें कौन कौन सी चीज़ें होता है। इसको जैसे ए बी को मैंने वेक्टर ए मान लिया, ए बी को वेक्टर ए और बी सी को वेक्टर बी मान लिया, ओके। अब ये सेंट्राइड को मैं ओ कह दे रहा हूँ, आप ए को जो है डी से ज्वाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये सेंट्राइड से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो ये आपको ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी सेंट्राइड से होकर, मतलब फेस टू फेस जो कॉर्नर ज्वाइन करेंगे वो हमेशा सेंट्राइड से होकर गुजरेगी, ओके। अब जो है रेगुलर हेक्सागोन में, समझिएगा मैं ज़्यादा कुछ लिखूंगा नहीं, रेगुलर हेक्सागोन में आमने सारे साइड तो इक्वल होता है, क्या होता है, है ना, सारे साइड इक्वल होता है। ए बी बराबर बी सी और इक्वल सी डी, सी डी इक्वल क्या होता है डी ई, इक्वल क्या होता है ई एफ, इक्वल एफ ए, सारे साइड से इक्वल होता है ना। और रेगुलर हेक्सागोन में आमने सामने के साइड सारी साइड इक्वल है, तो आमने सामने के साइड तो इक्वल होगा ही, तो आमने सामने के साइड इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है, ओके। आमने सामने के साइड देखिए, ये इक्वल भी होगा ये दोनों और पैरेलल भी होगा, ये दोनों इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा, ये दोनों इक्वल भी होगा पैरेलल भी होगा, ओके, क्लियर यहाँ तक। तो रेगुलर हेक्सागोन में आमने सामने के साइड जो है इक्वल भी होता है और साथ साथ में वो क्या होता है पैरेलल भी होता है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर अगर आप ये सेंट्राइड जो है ना, सेंट्राइड को सी से मैं सामने वाले आपका जो है कॉर्नर से ज्वाइन कर देता हूं, ज्वाइन कर दिए, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद जो है क्या बनेगा, है ना, ज्वाइन करने के बाद क्या बनेगा, ए बी सी ओ एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ए बी सी ओ क्या बन जाएंगे इज ए पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ए बी सी डी ओ जो है आपका एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ओके। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ए बी सी डी ओ पैरेललोग्राम बन जाएंगे। और दूसरा पॉइंट है, ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है ये ए डी जो होगा, है ना, ए डी जो होगा, ए डी जो होगा टू टाइम्स, अगर ए डी वेक्टर की बात करें या सिंपली ऐसे ही भी बात करें, ए डी जो होगा ये क्या आ जाएंगे, ए डी जो आ जाएंगे ये क्या आ जाएंगे, टू टाइम्स बी सी, टू टाइम्स बी सी, ठीक है। ये जो होगा जो आपका जो है सेंट्राइड से होकर जो डायगोनल पास करेगा वो सामने वाली साइड के डबल होंगे, है ना, सामने वाली साइड का क्या होगा डबल होगा। उसी तरह से आप इसको यूं ज्वाइन करेंगे तो बी, अगर इसी तरह से बी अगर ई को ज्वाइन करते हैं तो बी ई जो होगा, है ना, बी ई जो होगा ये किसका डबल होगा, सामने वाली साइड के, डी सी के सी डी के डबल होगा या डी सी के डबल होगा, टू टाइम्स सी डी, ओके, है ना, और टू टाइम्स सी डी के भी होगा और इसके बाद जो है और ए एफ के भी डबल हो जाएंगे, है ना। तो सामने अगर आपको ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई भी दो कॉर्नर ज्वाइन कीजिए जो सेंट्राइड से होकर गुजरती हैं, है ना, जैसे बी ई जो है, मैं क्या बोला, बी ई, बी बी क्या होगा, बी जो होगा टू टाइम्स सी डी के भी बराबर होगा और टू टाइम्स ए एफ के भी बराबर होगा, टू टाइम्स ए एफ के भी इक्वल आएगा, ओके। तो बाकी भी चीज़ें हैं, है ना, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर जैसे एफ सी, है ना, एफ सी को ज्वाइन कीजिएगा तो एफ सी जो है आगे, एफ सी जो है बराबर आ जाएंगे
एफसी जो बराबर आएंगे टू टाइम्स ईडी के, टू टाइम्स ईडी के बराबर आएंगे और टू टाइम्स किसके बराबर आएंगे, टू टाइम्स ए बी के भी इक्वल आ जाएंगे, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपका ए बी सी ओ जो है ये आपका पैरेललोग्राम बनेगा, और भी पैरेललोग्राम बनेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि यही सिंगल पैरेललोग्राम बनेंगे, इस तरह से और भी बनेंगे। डायगोनल को मिला दीजिए, है ना, ये भी आपका एक पैरेललोग्राम है, बी सी बी सी डी ओ आपका एक पैरेललोग्राम बन जाएंगे। आगे भी आपको दिख जाएगा, है ना, कि ये आपका ए एफ ई ओ ये भी आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। हाँ, और एक बात में, ये सारी चीज़ क्लियर है ना, ये सारी चीज़ आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि रेगुलर हेक्सागोन का प्रॉपर्टी क्या क्या है ना, फिर भी मैंने आपको रिपीट कर दिया। और एक चीज़ मैं आपको दोस्त समझा दूं कि कोई भी दो रेगुलर हेक्सागोन का कोई भी दो साइड दे रखेंगे, बाकी साइड को अगर निकालने बोला जाए, कोई भी दो साइड वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, बाकी साइड को निकालने बोला है वेक्टर फॉर्म में, तो हम आसानी से निकाल पाएंगे, है ना। देखिए कैसे निकाल पाएंगे, आपको पता है दोस्त कि ये वेक्टर भी है, आमने सामने का साइड इक्वल और पैरेलल होता है, ये वेक्टर भी है, तो ये भी क्या आ जाएंगे, वेक्टर बी आ जाएंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर जेई के लिए जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वेक्टर बी जो है, ये भी वेक्टर बी हो जाएंगे, ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए हो जाएंगे। डायरेक्शन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये चीज है। अब आगे, ओके, तो अब जो है आपको पता है ये वेक्टर बी है, तो ये क्या हो जाएंगे, टू टाइम्स वेक्टर बी, है ना। ये पूरे एडी जो है, एडी क्या आ जाएंगे, टू टाइम्स वेक्टर बी, ठीक है, टू टाइम्स वेक्टर बी। और जो है, अच्छा, ये वेक्टर बी है तो ये कितना आएंगे, ये वेक्टर बी आ जाएंगे, पैरेललोग्राम है तो ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी आ जाएंगे, ठीक है। ये टू वेक्टर बी है यहां से यहां तक, और ये वेक्टर बी है तो ये कितना आ जाएंगे, ये भी वेक्टर बी आ जाएंगे। ओके, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, तो ये भी वेक्टर ए हो जाएंगे। ओके, देखिए इसका डायरेक्शन को ध्यान रखना है, ये वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर है तो ये भी आपका वेक्टर ए आ जाएंगे, ठीक है, और वेक्टर बी का डायरेक्शन इधर है तो ये भी। अब जो है यहां पर क्या निकल जाएगा, आप समझ सकते हैं कि अगर इन ट्रेंगल ओ सी डी की बात करें, इन ट्रेंगल ओ सी डी की बात करें, तो आप लॉ लगा सकते हैं, है ना, और इसको सी डी की बात करें, ओ सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इक्वल ओसी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इक्वल क्या आ जाएगा, ओडी वेक्टर, ओडी वेक्टर, ठीक है। ओसी वेक्टर कितना है, ओसी वेक्टर वेक्टर ए है, प्लस सी डी वेक्टर इक्वल ओडी वेक्टर, ओडी वेक्टर कितना है, ओडी वेक्टर क्या है, वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर बी आ जाएंगे, तो सी डी वेक्टर इक्वल वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए आ जाएंगे, ठीक है। ये सी डी वेक्टर निकल गया, ठीक है, ये क्या निकल गया, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो ये वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो सामने वाला साइड ये पड़ता है तो ये भी क्या आ जाएंगे, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए आ जाएंगे। ओके, तो आप देखिए सारे साइड को मैंने वेक्टर के फॉर्म में निकाल दिया, सारे डायगोनल को भी वेक्टर के फॉर्म में निकाला जा सकता है ना। आप देखिए ये वाला ई बी ई डायगोनल की बात करें तो ये सामने वाले साइड का डबल होता है, है ना, तो वेक्टर बी वेक्टर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो इसका टू टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो जाएगा, है ना, बी वेक्टर, ओके, डबल हो जाएंगे। तो बस और भी एक सवाल ले लेता हूँ, है ना, फिर आज का क्लास खत्म करेंगे एक सवाल पर, इसी पर हम सवाल लेते हैं, देखते हैं कहाँ है सवाल। सवाल है ये, अच्छा सवाल है, है ना, और लिखा ये गया है कि इफ ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागोन, इज ए रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है, और देन प्रूव दैट ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ई ए वेक्टर प्लस एफ ए वेक्टर इक्वल थ्री टाइम्स वेक्टर ए बी, इक्वल थ्री टाइम्स वेक्टर ए बी, ए सी वेक्टर ए डी वेक्टर ए वेक्टर एफ ए वेक्टर इक्वल थ्री टाइम्स वेक्टर ए बी। ओके, ये अच्छा सवाल है ना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा सवाल है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छा सवाल है। ओके, तो ध्यान रखेंगे इसको। तो मैं जो है क्या करूँगा, समझिएगा इस सवाल का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर पहले मैं रेगुलर हेक्सागोन बना देता हूँ। ओके, ऐसे तो यही सारी चीज़ों का इस्तेमाल होगा, फिर भी मैं एक बार बना देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर बना दिया रेगुलर हेक्सागोन, ये रहा। ओके, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी हो गया लेकिन दोस्त चलेगा,
ठीक है, ठीक है, सही है, आप लोग सही बनाना, मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको तो एग्ज़ाम देना नहीं है दोस्त, है ना, एग्ज़ाम तो आपको देना है, मेरे से अच्छा आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको ध्यान रखना मैंने इस सवाल को, ए बी सी डी ई एफ, ओके। तो ए बी को मैं जो है इसी तरह से आपको ए बी को वेक्टर ए, बी सी को वेक्टर, बी सी को वेक्टर बी मान लेता हूँ, इसको वेक्टर ए वेक्टर बी, है ना, लिख देता हूँ, लेट ए बी वेक्टर इक्वल वेक्टर ए और बी सी वेक्टर इक्वल वेक्टर बी, ओके। अब आपको क्या क्या निकालना है, ए सी वेक्टर निकालना है ना, ए सी वेक्टर निकालना है, ए डी वेक्टर निकालना है, ये वेक्टर निकालना है, तो आप देख सकते हैं ए सी वेक्टर निकालना है, ठीक है, ए सी वेक्टर ये कितना आ जाएंगे, ए सी वेक्टर, है ना, ए सी वेक्टर, चूंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी के फॉर्म में, तो ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, और ये ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल क्या आ जाएंगे, इक्वल ए सी वेक्टर, तो ये आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल क्या आ जाएंगे, ए सी वेक्टर, तो ए सी वेक्टर आ गया दोस्त, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ओके। ए डी वेक्टर निकालना है, है ना, ए डी वेक्टर, चलो इसको निकालना है ना, ये सेंट्राइड से होकर गुजरती है, ए डी वेक्टर आप देख सकते हैं सेंट्राइड से होकर गुजरती है, ये सामने वाली का डबल होता है, तो आप ए डी वेक्टर क्या लिख सकते हैं, ए डी वेक्टर इक्वल टू टाइम्स, ए डी वेक्टर इक्वल टू टाइम्स बी सी वेक्टर, बी सी वेक्टर, तो टू टाइम्स बी सी वेक्टर क्या है, वेक्टर बी है, ओके। ए डी वेक्टर निकल आया, ई ए वेक्टर निकाल लेता हूँ, ई ए वेक्टर, तो ई ए वेक्टर, ई ए वेक्टर किधर है, ई ए, है ना, ये वाला वेक्टर, ठीक। अब ये वेक्टर, ये वेक्टर निकाल लेता हूँ, तो ये आपको पता है ये पैरेललोग्राम बन जाता है, जीरो है, और ये आपको पता है ये वेक्टर बी है, तो ये भी आपका क्या है, वेक्टर बी, वेक्टर बी का डायरेक्शन इधर है, तो ये भी वेक्टर बी है, ओके। और ये जो चीज़ है, है ना, आप ये चीज़ हम लोगों ने जो अभी थोड़ी देर पहले निकाला यहाँ पर, है ना, इस चीज़ का मैं लिख नहीं रहा हूँ, और ठीक है, और इस चीज़ को मैं लिख नहीं रहा हूँ, सी डी इक्वल, ऐसे जगह कम पड़ रहा है दोस्त, ठीक है, तो खैर एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, फिर उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो हम निकाल चुके हैं, ये वेक्टर आप निकाल सकते हैं, ये वेक्टर निकल गया तो ये भी निकल जाएंगे, चलो ले लिए दोस्त स्क्रीनशॉट, ठीक है, चलिए आगे। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा खतरनाक जैसा दिखता है, लेकिन सवाल अच्छा है दोस्त, है ना। अब हमें यहां पर निकालना था कौन सा वेक्टर, ई ए वेक्टर निकालना था, ई ए वेक्टर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका वेक्टर ए है, तो ये भी वेक्टर ए होता है, और ये वेक्टर बी है, तो ये वाला पैरेललोग्राम बन जाता है, है ना, तो ये वेक्टर बी है, तो ये भी आपका वेक्टर बी, तो ये इसका डबल होता है पूरे, तो ये भी वेक्टर बी, और ये जब इसमें ट्रायंगल लॉ लगाते हैं, और इन ट्रायंगल यहाँ पर लिखता हूँ, इन ट्रायंगल ओ सी डी में, ओ सी डी में जब ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, तो ओ सी प्लस ओ सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इक्वल ओ डी वेक्टर, ओके। तो ओ सी वेक्टर क्या है, ओ सी वेक्टर आप देख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस सी डी वेक्टर तो निकालना ही है, और इक्वल ओ डी वेक्टर कितना है, वेक्टर बी है, और सी डी वेक्टर इक्वल आ जाएंगे वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ओके। तो सी डी वेक्टर जो आ गया, ये सी डी वेक्टर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए आ गया, है ना, थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने निकाला, ये जितना तो उतने ही ये सामने वाला, है ना, तो सामने वाला साइड पैरेलल और इक्वल भी होता है, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ओके। अब जो है ये इसका डायरेक्शन है, दिस आपको क्या लगाना पड़ेगा, है ना, ट्रायंगल लॉ लगाना पड़ेगा। अब आपको क्या निकालना है, ई ए वेक्टर निकालना है, तो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए एफ ई में, ए एफ ई में, ठीक है, इस ट्रायंगल में आपको क्या करना है, इसको अगर रिवर्स, हाँ, इन इस ट्रायंगल में आप देखेंगे तो हम क्या करेंगे, सबका सेम है, तो एक को अपोजिट कर लेंगे, एफ ई वेक्टर, एफ ई वेक्टर, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, प्लस ई ए वेक्टर, एफ ई वेक्टर प्लस ई ए वेक्टर बराबर एफ ए वेक्टर, है ना, ये प्लस ये, देखिए ट्रायंगल देखिए सेम ऑर्डर वाला है, तो ये अपोजिट ऑर्डर है, एफ ए वेक्टर है, ए एफ वेक्टर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो एफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, इसमें माइनस लग जाएगा, तो माइनस टाइम्स वेक्टर बी और माइनस वेक्टर ए, ओके। तो आपका जो है एफ ई वेक्टर वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी प्लस ई ए वेक्टर बराबर माइनस वेक्टर बी
प्लस वेक्टर है, ओके। तो ये वेक्टर इक्वल आ जाएंगे, वेक्टर भी उधर जाएगा, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी माइनस टू वेक्टर बी, ये वेक्टर आ गया वेक्टर ए माइनस टू वेक्टर बी, ठीक है। ये वेक्टर निकालिए एफ ए वेक्टर, एफ ए वेक्टर कहाँ पर है दोस्त, एफ किधर गया, हाँ एफ ए वेक्टर है ना, एफ ए वेक्टर क्या आ जाएगा, तो ए वेक्टर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो एफ ए वेक्टर क्या आ जाएगा, इसमें माइनस लगा देंगे माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ओके माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, सब कुछ निकल चुका है ए सी ए डी ई एफ ए सब कुछ निकल चुका है, तो नो लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल ए सी प्लस ए डी वेक्टर प्लस ई ए वेक्टर प्लस एफ ए वेक्टर, ओके। तो ए सी जो वेक्टर है, ए सी वेक्टर आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ये आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर टू वेक्टर बी, यहाँ पर टू वेक्टर बी और प्लस सी डी वेक्टर ए डी वेक्टर प्लस ई ए वेक्टर है, ये वेक्टर यहाँ पर वेक्टर ए माइनस टू वेक्टर बी और एफ ए वेक्टर जो है माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ओके। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये कैंसिल आउट, ठीक है, और प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी कैंसिल आउट, वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए, तीन बार वेक्टर ए हैं तो थ्री टाइम्स वेक्टर ए है ना, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड जो है आपका, राइट हैंड साइड क्या है, और थ्री टाइम्स वेक्टर ए बी है, तो थ्री टाइम्स वेक्टर ए बी क्या है, थ्री टाइम्स वेक्टर ए बी है, तो ए बी वेक्टर कितना है, वेक्टर ए है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या आ जाएंगे, राइट हैंड साइड, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ओके। तो थोड़ा सा खतरनाक यकीनन है, लेकिन खतरनाक है तो वैसे ही रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये खतरनाक नहीं है, रेगुलर एक्सगोन के सारा प्रॉपर्टी आपके माइंड में है तो आसानी से सवाल बन सकता है, और भी कुछ चीज़ें प्रूफ करने दे सकता है ना, ये आपके बुक में केसी सिन्हा डी शर्मा में है ना, लेकिन और भी कुछ चीज़ें प्रूफ करने दे सकता है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ अगर निकालना जानते तो वो भी सारी चीज़ जो भी प्रूफ करने बोलेगा हम आसानी से कर सकते हैं, ओके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।